ओम ह्रीं अर्हं ळमो जिनाणं ळमो णाण गुरुणं ळमो विज्ञागुरुणं। मूकमाटी महाकाव्य खंड नंबर 3। पूज्य गुरुदेव अब प्रभाकर अर्थात सूर्य अपनी पत्नी को स्त्रियों की कुछ विशेषताएं बतलाता है और ये संसार का पहला ऐसा महाकाव्य है जो एक एक शब्द जो स्त्रीवाचक हैं, स्त्रियों को संबोधन वाचक हैं, उन सब की महिमा बतलाने वाला है। पूज्य गुरुदेव जो जो शब्द महिलाओं के लिए प्रयोग होते हैं उनसे उनकी महिमा को बतलाते हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया कि इसे कहते हैं भीरू, भीरू अर्थात डरी हुई। तो ये डरी हुई किससे है? पापों से डरी हुई है और निरंतर पुण्य की क्रिया में लगने वाली है। फिर कहते हैं नारी, नारी मतलब नारी इति नारी, जिसका कोई शत्रु नहीं है, संपूर्ण जगत को मित्र के समान वर्धित करने वाली है, उसका नाम नारी है। दूसरा आरी मतलब होता है काटने वाला एक यंत्र, तो ये किसी को काटती नहीं अपितु घर को संसार को और अच्छा बनाती है, इसलिए ये नारी है। फिर कहते हैं महिला, मही मतलब महिमा मतलब मंगल, ला मतलब लाती है, ये जीवन में मंगल को लाने वाली है। फिर मही, मही मतलब होता है मट्ठा, और उसे लाती है अर्थात बनाती है, मट्ठे को दूध को छाछ बनाती है, वो कौन होती है? महिला होती है, जिससे संपूर्ण रोग नष्ट हो जाएं। फिर आगे कहते हैं अवला, अवला मतलब संसार में आ प्लस वल, वल मतलब होता है शक्ति, जिसके पास शक्ति नहीं होती उसे अवला कहते हैं, ऐसा संसार में प्रयोग है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं अव मतलब ज्ञान प्रकाश ज्योति, अवगम शब्द से जो अव है उसे जो लाती है वह अवला कहलाती है। दूसरा अव, अव मतलब वर्तमान, आप कहते हैं ना अव मतलब अभी, तो वर्तमान, और ला मतलब लाती है, जो अतीत के जो गम हैं दुख हैं दर्द हैं पीड़ाएं हैं उनको भुला करके और भविष्य की कल्पनाओं से निकाल करके वर्तमान में लाती है वह अवला कहलाती है। तीसरे नंबर पर वला, वला मतलब होता है संकट, वला मतलब है परेशानियां कठिनाइयां, तो जो संपूर्ण वलाओं को टाल देती है उसका नाम है अवला। कितना सुंदर चिंतन ये गुरु महाराज ने यहां तक दिया। अब हम आगे देखेंगे पेज नंबर 204। अब कहते हैं कुमारी, कु यानी पृथ्वी, मा यानी लक्ष्मी और री यानी देने वाली। इससे कुल मिलाकर भाव यह निकलता है कि यह धरा संपदा संपन्ना तब तक रहेगी जब तक यहाँ कुमारी रहेगी। यही कारण है कि संतों ने इन्हें प्राथमिक मंगल माना है लौकिक सब मंगलों में। क्या कहते हैं? कुमारी, कुमारी अर्थात जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, ऐसी कन्या या बाल ब्रह्मचारिणियों को भी कुमारी शब्द से संबोधन करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? कु यानी पृथ्वी, ये एकाक्षरी कोश होता है, एकाक्षरी कोश और विश्वलोचन कोश में जो शब्दों के अर्थ हैं उनका गुरु महाराज ने यहाँ पर प्रयोग किया। पर कोई ये ना सोचे कि जो भी उनके मन में आया तो उन्होंने लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं, ये कोशों के आधार से उन्होंने शब्दों को ढूंढ कर और यहाँ पर उसका अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो कहते हैं कु यानी पृथ्वी और मा यानी लक्ष्मी और रा यानी देने वाली। इससे यह भाव निकलता है कि यह धरा अर्थात धरती, संपदा संपन्ना अर्थात धन धान्य से संपन्न
तब तक रहेगी। कब तक? जब तक इस धरती पर कुमारी कन्याएं बनी रहेंगी। इसी यही तो कारण है कि प्राथमिक मंगलों में कन्या को भी लौकिक मंगल माना है। फिर आगे कहते हैं, धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थों से ग्रस्त जीवन शोभा पाता है। इन पुरुषार्थों के समय प्रायः पुरुष ही पाप का पात्र होता है। वह पाप पुण्य में परिवर्तित हो इसी हेतु स्त्रियां प्रयत्नशील रहती हैं सदा। पुरुष की वासना संयत हो और पुरुष की उपासना संगत हो, यानी काम पुरुषार्थ निर्दोष हो, बस इसी प्रयोजन बस वह गर्भ धारण करती हैं। संग्रह वृत्ति और अपव्यय रोग से पुरुष को बचाती हैं सदा। अर्जित अर्थ का समुचित वितरण करके दान पूजा सेवा आदि सत्कार्यों को गृहस्थ धर्मों को सहयोग दे पुरुष से कराकर धर्म परंपरा की रक्षा करती हैं। यूं स्त्री शब्द ही स्वयं गुनगुना रहा है कि श यानी शम शम शील संयम है, त्रि यानी तीन अर्थ हैं। धर्म अर्थ काम पुरुषार्थों में पुरुष को कुशल संयत बनाती है, सो स्त्री कहलाती है। सुनो, एक एक शब्द को कितना महिमा मंडित कर गुरु महाराज कह रहे हैं। स्त्री शब्द शासे सम अर्थात शीलवंत संयत करती है, किसे? पुरुष को। किसके लिए? त्रि पुरुषार्थों में। काम अर्थ और धर्म, इन तीन पुरुषार्थों में जो पुरुष को संयत करती है, लगाती है, सो स्त्री कहलाती है। धर्म अर्थ और काम, पुरुषार्थ कितने होते हैं? पुरुषार्थ होते हैं चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो मोक्ष के लिए तो स्त्री भी त्यागनी पड़ेगी, लेकिन उसके पूर्व के जो तीन पुरुषार्थ हैं उसमें निरंतर पुरुष का संयोग करती है स्त्री। उसके बिना ग्रस्त जीवन संभव नहीं। हाँ, जितना भी धर्म दिखाई पड़ेगा उसमें 50-50% का रोल होता है दोनों का। भली समाज पुरुष प्रधान होने से पुरुष की प्रमुखता के गीत गाता रहे, लेकिन फिर भी स्त्री का अपना योगदान सदैव बना रहता है। तो क्या करें? धर्म अर्थात पाप से बचकर पुण्य कार्यों में लगना और पुण्य की संग्रह वृत्ति का नाम धर्म है। अर्थ अर्थ अर्थात रुपया पैसा और अपनी जरूरत की वस्तुओं को प्राप्त करना। काम काम अर्थात वासना इच्छा और अन्य प्रकार से अपनी इच्छाओं की पूर्ति, पंच इंद्रिय की इच्छाओं की पूर्ति करना काम है। ये क्या है? ये पुरुषार्थ हैं, और इन पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन नीति वाक्यामृत नामक ग्रंथ में पंडित सोमदेव सूरी ने बहुत अच्छी तरह से किया है। वो भी एक पठनीय ग्रंथ है, नीति का ग्रंथ है। अभी हम उसका स्वाध्याय कर रहे हैं, आप लोग भी समय निकालकर उसका अध्ययन करें। क्या नाम है? नीति वाक्य अमृत। आगे कहते हैं, गृहस्थ जीवन शोभा पाता है इन पुरुषार्थों के समय प्रायः पुरुष ही पाप का पात्र होता है। सबसे ज्यादा पाप कौन कर रहा है? पुरुष। भले ही उनका फल कोई और भोगने वाला है, लेकिन फिर भी सारा का सारा अर्थ करने के लिए भी पुरुष को बाहर जाना हो रहा है, और धर्म सबसे ज्यादा छूट रहा है किसका? पुरुष का। महिलाएं तो अच्छी तरह बैठकर और घंटे 2 घंटे पूजन करके धर्म ध्यान के लिए समय निकालती, पुरुषों के पास समय ही नहीं। वह पाप पुण्य में परिवर्तित हो इसी हेतु स्त्रियां प्रयत्नशील रहती हैं सदा। सुनो, आपने जो पाप कर्म कर दिया है उस पाप को पुण्य में कैसे कन्वर्ट करना है? सो आपकी धन संपदा का अच्छी तरह प्रयोग कर कर और आपके मार्ग को अच्छी तरह व्यवस्थित बनाती हैं स्त्रियां। पाप की पुरुष की वासना संयत हो और पुरुष की उपासना संगत हो,
यानी काम पुरुषार्थ निर्दोष हो, बस इसी प्रयोजनवश वह गर्भ धारण करती हैं। सुनो, पुरुष की वासना सीमित हो, संयत हो, उसकी वासना बाहर ना फैल सके, इसलिए वे महिलाएं अपने गर्भ में उसके शिशु को धारण करती हैं। और पुरुष की उपासना संयत हो, लिमिटेशन आए उसके जीवन में, इसलिए क्या करती हैं, संग्रह वृत्ति और अपव्यय रोग से पुरुष को बचाती हैं सदा। और पुरुष से कहती हैं, देखो इतना खर्च मत करो, या संग्रह की वृत्ति से नरक अशुभ गतियों का आश्रय होगा, सो उससे भी बचना है। तो अर्जित अर्थ का समुचित वितरण करके, सुनो, घर का सारा पैसा कमाने वाला कमाता है, लेकिन दान पुण्य पूजा सेवा अतिथि सत्कार ये सब कौन करता, ये सब काम स्त्री करती है। आज आप लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा अपनी महिमा सुन के, देखो गुरु महाराज इस युग के सदी के सर्वश्रेष्ठ संत किस तरह महिलाओं के गुणों के विषय में बतला रहे हैं कि महिलाएं कोई साधारण नहीं है, इनके अंदर बहुत सारे गुण हैं। यद्यपि ये घर के चार दीवारियों में रहती हैं, इसलिए इनके गुण इनकी महिमाएं बाहर प्रकट नहीं होती, लेकिन कार्य ये हमेशा उचित करती, क्या करती, दान पूजा सेवा आदि सत्कार्यों को गृहस्थ धर्म को संयोग दे पुरुष से कराकर धर्म परंपरा की रक्षा करती हैं। सुनो, धर्म की परंपरा का मार्ग जो है वो दान पूजा से चलेगा, बिना दान पूजा के नहीं चलता। सो दान पूजा कौन करती है, दान पूजाएं स्त्रियां प्रमुखता से करती हैं। हाँ, मंदिरों में सुबह जाके देखो तो ऐसा लगता है महिला प्रधानी धर्म है। हाँ, सारो और संपूर्ण आहारों में आप देखो सारा व्यवस्था करने वाली कौन, माताएं। और आजकल तो जब से आर्थिक युग में समृद्धि पाई है तब से महिलाएं दान भी खूब देती हैं हृदय को खोलकर। यू स्त्री शब्द स्वयं ही गुनगुना रहा है, सा यानी सम सील संयम है, त्री यानी तीन अर्थ हैं, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थों में पुरुष को कुशल संयत बनाती हैं, सो स्त्री कहलाती हैं। अब आगे अगला शब्द है, आचार्य महाराज कहते हैं अगला शब्द है सुता। ओ सुख चाहने वालों सुनो, सुता शब्द स्वयं सुना रहा है, शु यानी सुहावनी अच्छी, और ता प्रत्यय भाव धर्म सार के अर्थ में होता है, यानी सुख सुविधाओं का स्रोत सो सुता कहलाती है, यही कहती हैं श्रुत श्रुतियां। श्रुत मतलब आगम, श्रुत मतलब जो सुनकर आज तक परंपरा चली आई है उसे कहते हैं श्रुत, जो भगवान अंतिम तीर्थेश वर्तमान महावीर स्वामी के मुख से निकला और सुन सुनकर परंपराओं से हम तक पहुंचा उसे कहते हैं श्रुत। और उस श्रुत की जो श्रुतियां, शा प्लस उक्ति, उक्ति मतलब होता है कहना वाक्य, और सा मतलब सम्यक, जो समीचीन वाक्य है उस श्रुत के, वे इन श्रुताओं का गुणगान गाते हैं। और वे क्या कहते हैं, ओ सुख चाहने वालों सुनो, सुता शु यानी अच्छी सुहावनी, और ता ये भाव प्रधान होता है, जैसे हम कहते हैं मानवता, तो मानव का भाव मानवता कहलाता है, समाज का भाव सामाजिकता, तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं सुख का जो भाव है, सुख का जो धर्म है, सुख का जो सार है, सो वह सुता है। सुता मतलब बेटी, सुता मतलब पुत्री, सुता मतलब बच्ची, सुता मतलब स्त्री। आगे अब कहते हैं दुहिता। दुहिता एक शब्द स्त्री के लिए प्रयोग होता है, तो क्या कहते हैं, दुहित जिसमें निहित हो वह दुहिता कहलाती है, अपना हित स्वयं ही कर लेती, स्वयं कर ही लेती है, पतित से पतित पति का जीवन भी हित से सहित होता है, जिससे वह दुहिता कहलाती है। सुनो, वह दुहिता है, स्वयं का हित भी करती है और अपने पतित से पतित अर्थात गिरे हुए अपावन पापी पति को भी धर्म के मार्ग में लगाकर पवित्र करती चली जाती है, सो वह
कौन? सो वह दुहिता कहलाती है, स्वयं का हित भी करती है, पति का हित भी करती है। छिलना, अंजना आदि कितनी सारी क्षतियों के विषय में हमने देखा। सीता, सुभद्रा, सुभद्रा की तो कितनी सुंदर कहानी है, याद है आपको? हाँ, एक बार जो भगवान आदि भगवान नेमिनाथ स्वामी के पुत्र थे प्रद्युम्न कुमार, वे प्रद्युम्न कुमार जब दीक्षा लेने का मन बनाया तो वे अपनी पत्नी के पास जाते हैं, उसका नाम था सुभद्रा, और उसके पास जाके उससे कहते हैं कि आज मैं दीक्षा का मन बना के आया हूँ, तो आप मुझे आज्ञा प्रदान करोगी? वो कहती है स्वामी रुको, और अंदर जाती है और एक सफ़ेद साड़ी पहनकर उनके सामने से निकल जाती है। सती उसके सारी सखियां जो पीछे से आ रही हैं उनको पूछते क्यों कहाँ जा रही है तुम्हारी महारानी साहिबा? तो कहते हैं महारानी तो आरिका दीक्षा लेने चली गई। वो देखते हैं अरे ये क्या हो गया, वो पीछे पीछे जाते हैं और मन में जहां वो दीक्षा लेती है उनसे पूछते हैं अरे मैं तो अपनी दीक्षा की बात तुमसे करने आया था और तुमने दीक्षा ले ली। तो वो कहती है सुनो, संयम के मार्ग पर किसी से पूछना नहीं पड़ता, इसलिए आपने गलती कर दी, मैंने गलती नहीं करी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में पल हो जाएगा और बहुरी करेगा कब, इसलिए अभी करना है, ऐसा संदेश उन्होंने वहां पर दिया। आगे कहते दुहिता, और दुहिता का क्या अर्थ है? तो पेज नंबर 206, उभय कुल मंगल वर्धनी, उभय लोक सुख सृजनी, स्वपर हित संपादिका रही कहीं रहकर किसी तरह भी हित का दोहन करती रहती, सो दुहिता कहलाती है। सुनो, इतनी आदत लग गई है उसे हित करने की, तो क्या करती है? उभय कुल मंगल वर्धनी। आचार्य महाराज हमेशा कहते थे जब भी कोई प्रतिभा स्थली में प्रवेश लेती थी बहने, तो आचार्य महाराज कहते थे ये बच्चियां उभय कुल वर्धनी हैं, इन्होंने अपने पिता के कुल को गौरवान्वित किया, अपने पिता के कुल को मंगल किया, और अब यहाँ आकर अपने गुरु का कुल भी वर्धित करेंगी, अपने गुरु के कुल का भी मंगल करेंगी। ऐसी स्त्रियां अपने पिता के कुल का गौरव हैं, अपने पिता के कुल का सम्मान बढ़ाती हैं, और जब वे ही ससुराल आती हैं तो अपने पति अपने ससुर के कुल का गौरव बढ़ाती हैं। सो वे दुहिता उभय कुल वर्धनी है। गुरु महाराज हमेशा कहते थे ये बच्चियां उभय कुल वर्धनी है, जो अपने माता पिता का गौरव बनती हैं और शादी के बाद अपने पति के कुल का गौरव बनती हैं। उभय लोक सुख सर्जिनी, अरे इस भव में यहां भी पति को सुख देती हैं और अन्य भव के लिए पति के सुख के संचय का कारण बनती हैं। आहार दान कराकर पति को नरक के दरवाजे से लौटा कर लाती हैं, सो वे दुहिता कहलाती हैं। अरे द्रव का संग्रह संचय करके कहाँ जाओगे? भयवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषा, बहुत परिग्रह कहाँ लेकर जाएगा? अशुभ गति में। सो आप अशुभ गति में नहीं जाओ, मैं आपके शुभ गति की व्यवस्था बनाती हूँ, इसका नाम पत्नी है, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहते हैं। फिर कहते हैं स्वपर हित संपादिका, अपने और दूसरों के हित का मार्ग खोजती है, निरंतर स्वयं आत्म कल्याण में लगी है और गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतानों के कल्याण के विषय में सोचती है, उन्हें धर्म का उपदेश देती है, उन्हें धर्म करना सिखलाती है, कहीं रहकर किसी तरह भी हित का दोहन करती, सो दुहिता कहलाती है। कहीं भी रहे, कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी निमित्त मिले, लेकिन निरंतर हित का दोहन अर्थात ग्रहण करती रहती है, सो इसका नाम दुहिता है। अब मातृ शब्द है, तो मातृ शक्ति जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? हमें समझना है मातृ शब्द का महत्व ही। प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान, प्रमेय यानी ज्ञे, और प्रमित्री प्रमात्री को ज्ञाता कहते हैं संत।
जानने की शक्ति वह मातृतत्व के सिवा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होती। यही कारण है कि यहाँ कोई पिता पितामह पुरुष नहीं है जो सबकी आधारशिला हो, सबकी जननी मात्र मातृतत्व है। सुनो, माँ की महिमा बतलाते हुए गुरु महाराज कह रहे हैं, अरे माँ ऐसा एक शब्द है जो अपने आप में अलौकिक है। क्या है? मातृ शब्द का भी महत्व है। प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, अर्थात सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। प्रमेय यानी ज्ञेय अर्थात जानने योग्य वस्तु, जानने योग्य ज्ञान। और प्रमातृ को कहते हैं ज्ञाता, जो जानने वाला है उसे प्रमातृ कहते हैं। प्रमाण मतलब ज्ञान, प्रमेय मतलब जानने योग्य वस्तु, और प्रमाता या प्रमातृ मतलब ज्ञाता, जानने वाला। तो कहते हैं जानने की शक्ति वह मातृतत्व के सिवा अन्यत्र कहीं नहीं उपलब्ध होती। यहाँ जानने की शक्ति दो प्रकार से, एक जनन अर्थात उत्पन्न की शक्ति और एक जानने की शक्ति, ये दोनों माँ के पास ही होती है। यही कारण है कि यहाँ कोई भी पिता पितामह पुरुष नहीं जो सबकी आधारशिला हो, सबकी जननी तो मात्र कौन है? मातृ तत्व है। अर्थात हर एक यहाँ जो उत्पन्न हुआ है वो किसी ना किसी माँ के कोख से, माँ के उदर से, माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। मातृतत्व की अनुपलब्धि में गे ज्ञायक संबंध ठप, ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ सुख शांति मुक्ति वय किसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, किस विध? इसलिए इस जीवन में उसी माता का मान सम्मान हो, उसी का जयगान हो सदा धन्य। गुरु महाराज कहते हैं सुनो, जहां जहां नारी का यस्त यत्र नारिस पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है देवता भी उस स्थान पर वास करते हैं। ऐसी उदात्त बुद्धि को धारण करने वाले महाकवि कहते हैं उसी माता का मान सम्मान हो, उसी का जयगान हो सदा। क्यों? उस मातृतत्व की अनुपलब्धि में अर्थात उसे प्राप्त नहीं होने पर ज्ञेय ज्ञायक संबंध अर्थात जानने योग्य पदार्थ और जानने वाला व्यक्ति, दोनों का जो संबंध है वो समाप्त तो हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ सुख शांति और मुक्ति वह किसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, और किस विध अर्थात किस प्रकार से मिलेगी, अर्थात संभव नहीं है। उसी माता का मान सम्मान हो, उसी माता का जयगान हो सदा। सदियों से सदुपदेश देती आ रही है समाज, पुरुष समाज को है, अनंग के संग से अंगारित होने वालों सुनो, जरा सुनो तो। स्वीकार करती हूँ कि मैं अंगना हूँ, किंतु मात्र अंगना हूँ, और भी कुछ हूँ मैं। अंग के अंदर भी कुछ झांकने का प्रयास करो, अंग के सिवा भी कुछ मांगने का प्रयास करो, जो देना चाहती हो लेना चाहते हो तुम। सो चिरंतन शाश्वत है, सो निरंजन भास्वत है, भार रहे आभा का आभार मानो तुम। और अंत में एक शब्द है अंगना। अंगना मतलब होती है जो अंग से युक्त हो या मेरे शरीर का जो भाग है उसे कहते हैं अंगना। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं अंगना ही मत कहो उसे, अर्थात वह मात्र शरीर ही नहीं है, और तुम भी मात्र उसे अंग मत मांगो, अर्थात अपनी वासना की पूर्ति का ठिकाना उसे मत मानो, वह तो महान है। कैसी है? सो कहते हैं मैं इस बात को मानती हूं कि मैं सदियों से सदुपदेश देती आ रही है पुरुष समाज को कि यह अंग के संग से अंगारित होने वालों सुनो, अनंग अर्थात काम वासना के संग से जो आज तक चलने वाले हो सुनो, जरा सुनो तो। स्वीकार करती हूँ कि मैं अंगना हूँ, मैं मानती हूँ इस बात को कि मैं अंगना हूँ, अर्थात तुम्हारे लिए भोग्य हूँ, भोगने के योग्य हूँ, परंतु मात्र अंगना हूँ और कुछ भी हूँ।
मैं मात्र शरीर नहीं हूं जो तुम्हारे भोगने के काम आ रही हूं, मैं तो आत्मा हूं। और मेरी उस आत्मा को कब पहचानोगे तुम, कब देख पाओगे अपनी इन आंखों से? लगता तो संभव नहीं है। तुम्हारे लिए तो मात्र मैं एक भोग्य वस्तु बनकर रह गई हूं जो तुम्हारे भोगने में आ रही। शरीर के भीतर झांकने का प्रयास करो, शरीर के सिवा और कुछ मांगने का प्रयास करो। क्या पंक्तियां, गुरु महाराज का ऐसा उदात्त चिंतन। ये पंक्तियां पढ़कर नारी समाज को गौरव हो कि ऐसे गुरु महाराज हमको मिले। हाँ, तब जाकर हजारों हजारों बहनों का कल्याण हुआ, तब जाकर प्रतिभा स्थली जैसे स्थापना हुई, तब जाकर 172 आरिकाओं को इतिहास में सर्वोत्कृष्ट जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त हुई। सुनो, और हजारों हजारों लोग व्रती बने, आजीवन ब्रह्मचर्य से युक्त हुए, और कितनी उनकी महिमा है जिह्वा गा नहीं सकती। फिर कभी और गुरु महाराज के विषय में बतलाएंगे। क्या तुम लेना चाहोगे? सो अनादिकाल से शाश्वत कलंक रह प्रकाशमान भार रहत चेतना हूं मैं। सुनो, कितना सुंदर संदेश कि मुझे मात्र शरीर मत मानो, अपने भोग की वस्तु मुझे भोग्या मत मानो, मैं तो चेतन आत्मा हूं। उस आत्मा को स्वीकार करो तुम, मेरे अस्तित्व की पहचान करो तुम। क्या कहते हैं, भार रहत आभा का आभार मानो तुम, और उसका आभार मानो, उसकी शरण लेने का पुरुषार्थ करो जो सही सुख का साधन है। अर्थात मैं कर्म से रहत निरंजन भाश्वत सदा प्रकाशमान चिरंतन सदा सदा से हूं, और शाश्वत किसी ने मुझे बनाया नहीं, ऐसी मैं आत्मा हूं। इसलिए निरंतर ये भावना रखो कि मैं मात्र स्त्री नहीं हूँ, मैं माता नहीं हूँ, मैं किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का पति, किसी की पत्नी ही नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। सो चिरंतन शाश्वत है, सो निरंजन भास्वत है, भार रह आभा का आभार मानो तुम। किसने किससे कहा ये सब बातें? प्रभाकर ने, सूर्य नारायण ने अपनी पत्नी प्रभा अर्थात रोशनी से कहा। कितना सुंदर चिंतन। हाँ, गुरु महाराज की उदात्त बुद्धि, उनका विराट हृदय समाज के हर एक वर्ग के हर एक व्यक्ति के कल्याण का मानो गौरवमय हेतु है। हम सब धन्य धन्य है कि ऐसे उदात्त चिंतन की धारा आचार्य भगवंत को हमने इस जीवन में पाया। सो हम क्षण क्षण उनके प्रति अनंत कृतज्ञता आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये महिला समाज को ये पंक्तियां पढ़ने योग्य हैं, चिंतन योग्य हैं, मनन योग्य हैं। ओम सिद्धम।